शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसी नाटक को आगे बढ़ाने के लिए आज मुझे किडनैप होना पड़ा ताकि हमारी शादी टल जाए और काव्या और दादी जी को थोड़ा सा वक्त मिल जाए उन पेपर्स को चुराने के लिए। और मुझे भी मौका मिल गया आपको आके सच बताने का। इखाब, मैंने आपसे कहा था ना, हमारे बच्चे ऐसे नहीं है। हाँ पार्वती जी, आप सही थी। मुझे हवेली में समझ जाना चाहिए था। ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये जरूर किसी दबाव में आकर या मजबूरी की वजह से कर रहे हैं। सब मेरी गलती है। सब नहीं है। इस बात के लिए आप अपने आप को दोष मत दीजिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी जगह उस दिन कोई भी होता ना, तो वो यही करता। काव्या तो ठीक है ना? उसे कई बार फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं उठा रही है वो। अंकल आप घबराइए मत, काव्या बिल्कुल ठीक है। दरअसल बात यह है कि उस कुणाल ने हम तीनों के फोन जब्त कर लिए। तो फिर आयुष्मान, हम काव्या से बात कैसे कर सकते हैं? बहुत बहुत टेंशन हो रही है। ये तो लॉक जरूर इसी में फोन होंगे। खोले कैसे? मिल गए फ्रेंड्स। लेकिन आयुष्मान को कॉल कैसे करोगी? उसका फोन तो यही है। पर दादी माँ, हमारे प्लान के हिसाब से आयुष्मान अब तक तो घर पहुंच गया होगा ना? हमें तो पूरा यकीन है वो जरूर घर पहुंच गया होगा। ठीक है, तो मैं पापा जी को फोन लगाती हूँ। नहीं पार्वती जी, मैं अपने बच्चों को इस तरह मुसीबत में नहीं दे सकता। बहुत तंग कर लिया उस आदमी ने, अब उस कुणाल का सामना ही बाप से होगा। काव्या तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ पापा जी, मैं ठीक हूँ। वहाँ सब ठीक है ना? दादी माँ, आयुष्मान घर पहुँच गया। हाँ, मैं सही सलामत घर आ गया हूँ।